नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेम सॉन्ग प्लान पर। और आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, आज का हमारा ये प्लान, हमने हमारे एक सब्सक्राइबर जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर हमने ये प्लान को बनाया हुआ है। दोस्तों आज का हमारा जो ये प्लान आप देख रहे होंगे, इस प्लान को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो ये प्लान है, ये 30 फीट बाय 30 फीट के अंदर हमने डिजाइन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 30 फीट बाय 30 फीट के अंदर ये हाउस प्लान आप सभी इस वीडियो पर देख रहे होंगे। आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना है। प्रॉपर सिंपल स्टाइल यानी सिंपल पर हमने रखा हुआ है, इंडियन स्टाइल पर हमने इस घर का डिजाइन किया हुआ है। और लागत की बात करें तो इस वीडियो में इस घर को बनाने में कितना लागत आएगा दोस्तों, आगे आपको प्रॉपर इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं प्रेम सोम प्लेन, ऐसे प्यार भरे घर का नक्शा पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे घर के प्लान रिलेटेड वीडियो हर रोज देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वे 30 फीट बाय 30 फीट के अंदर ये हाउस प्लान। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर की ओर। उसके पहले फ्रंट साइड की ओर एलिवेशन की अगर बात करें तो एलिवेशन आप यहाँ पर मैं आपको झूम आउट करके भी दिखा रहा हूँ। विंडो का जो छज्जा है दोस्तों कुछ तरीके से आएगा। विंडो का जो डिजाइन है वो अच कटिंग पर हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ तरीके से अच कटिंग पर ओपनिंग एंड एंट्री जो है वो भी अच कटिंग पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की ओर आपको 8x5 फीट के अंदर एक पोर्च छोटा सा स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टेप आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। और ऊपर का एलिवेशन जो है दोस्तों वो सिंपल पर हमने रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं इस घर के अंदर की ओर। अंदर आप कहीं से भी आएंगे आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला एक मेन एंट्री डोर रहेगा। जिस एंट्री डोर से आप एंट्री करके जाते दोस्तों, तो फिर आप 8x5 फीट का एक छोटा सा गैलरी टाइप के स्पेस पर पहुंचेंगे। उसके बाद आपको इस साइड की ओर रहेगा एक हॉल एरिया, जिसका साइज आएगा दोस्तों हॉल विद स्टेयर केस जो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हॉल रूम जो प्रॉपर ये वाला किचन के साइड पर ये वाला वॉल से लेकर स्टेयर केस के बगल में ये वाला वॉल तक है 23x10 फीट के अंदर रहेगा ये हॉल रूम डाइनिंग कम हॉल एरिया विथ स्टेयर केस। आप यहाँ से इसी हॉल से इस साइड की ओर से कुछ तरीके से स्टेयर केस 10x7 फीट के अंदर यानी 10x7 फीट के अंदर आप चढ़ा पाएंगे। उसके बाद आपको इस साइड की ओर इसी हॉल एरिया से इस साइड की ओर आपको एक यहाँ पर डोर फ्रेम देखने को मिलेगा, जिससे एंट्री करके जाते हैं तो आप पहुंचेंगे यहाँ पर, ये रहेगा आपके सामने एक किचन। किचन का साइज की अगर बात करें दोस्तों, तो किचन का साइज हमने लिया हुआ है दोस्तों 7x10 फीट के अंदर। उसके बाद आपको चार कॉर्नर पर चार बेडरूम देखने को मिलेगा। बैक साइड की ओर जो बेडरूम आप देख रहे होंगे, यहाँ से एक डोर रहेगा, यहाँ से एक डोर रहेगा। आप इस डोर से एंट्री करके जाएंगे तो ये बेडरूम पर पहुंचेंगे। चार कॉर्नर पर चार बेडरूम रहेगा। बेडरूम का साइज चारों बेडरूम का सेम है, 11x10 फीट के अंदर है बेडरूम का साइज आप देख रहे होंगे। और इस साइड का बेडरूम फ्रंट साइड की ओर जाने के लिए यहाँ पर रहेगा डोर, और इस साइड की ओर जाने के लिए यहाँ से रहेगा डोर। तो चार कॉर्नर पर चार बेडरूम आप देख रहे होंगे, और मिडिल पर बैक साइड की ओर जो दो बेडरूम था उसके ठीक मिडिल पर आपको यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा, जिससे एंट्री करके जाते दोस्तों तो ये रहेगा आपके सामने 8x7 फीट के अंदर एक लेड बाथ। पूरे घर में हमने एक ही लेड बाथ डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर 8x7 फीट के अंदर रहेगा लेड बाथ दोस्तों। और बैक साइड की ओर बात करें तो बैक साइड कुछ इस तरीके से हमने स्पेस छोड़ दिया हुआ है। आप यहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह टॉयलेट के नीचे आप सेट कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आप कुछ तरीके से इसको ओपन रख पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्लान। और इसकी टॉप व्यू की बात करें, जो स्टेयर केस आप देख रहे होंगे दोस्तों, हॉल एरिया से जो स्टेयर केस हमने दिया हुआ था, उसी स्टेयर केस से होते आप घूमते हुए कुछ तरीके से जाएंगे तो आप पहुंचेंगे इस जगह पे। फिर ये वाला डोर से एग्जिट होकर ऊपर आप इस टॉप पर आ पाएंगे। और टॉप व्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो टॉप व्यू कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सिंपल सा प्यारा सा हाउस प्लान। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ देना है। दोस्तों इस घर की लागत की अगर बात करें तो इस घर को बनाने में करीब आपको 13 से 15 लाख के बीच लग सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे बनाते हैं और क्या क्या मटेरियल का यूज करेंगे, तो उसी के हिसाब से बजट तय होता है। फिर भी आप ऐसे 13 से 15 लाख के अंदर इस घर को कर पाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन हमने सिंपल पर रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन भी कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।